तो चलिए, मैं पहुंच चुकी हूँ यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, जो मैंने आपको बताया था, राम राम जय माता दी। तो यहाँ पे देखिए जी, हमारी अन्नू आ चुकी है। यहाँ पे इसने दुकान खोल रखी है और मेरे को बहुत खुशी हुई। और अनीता, अनीता बोल रही है, हम तो अन्नू ही बोलते हैं ना प्यार से, अनीता होगी सबके लिए। तो यहाँ पे एक देखिए, एक जो होता है ना, मैंने कहा था ना, हर एक इंसान के अंदर कोई ना कोई टैलेंट छुपा होता है। मैं सबको एक चीज़ बोलती हूँ, महिलाओं को, आप कोई ना कोई ज़रूर होगा, उसको बाहर निकालिए यार, बाहर निकलने की ज़रूरत है। तो घर में भी सिलती थी, लेकिन घर में क्या होता है ना, वो कहते हैं ना कि घोड़ा पड़ाव के ऊपर ही बिकता है। अब जितने मर्जी कलाकार हैं, जब तक आप पब्लिक प्लेस पे नहीं आएंगे ना, तब तक वो चीज़, वो फेम, वो क्वालिटी आप लोगों को नहीं दे पाएंगे। आप खुद, आपको फेम नहीं मिलेगा उस तरह का। तो चलिए, मैं आपको दिखाती हूँ। पीछे आपको दो सूट, अभी बस 2-3 दिन हुए इसको दुकान, या कमरा नहीं मिला कहीं नहीं। तो हमारे घनाघू में तो वैसे भी इसी तरह के जो है रूम मिलते हैं। पर मशीन भी दिखाती हूँ इसकी, और फेसबुक पे भी डालूंगी मैं इस वीडियो को, क्योंकि फेसबुक में हमारे नज़दीकी ज़्यादा है। कई लोगों को शिकायत रहती थी, हमें दार्ला जाना पड़ता है, हमें अरकी जाना पड़ता है। तो देखिए, यहाँ पे आइए, एक एक सूट तो ज़रूर सिलाइए, ठीक है? अगर आपको नहीं अच्छा लगता है, कोई बात नहीं, और मुझे नहीं कोई चार्जेस चाहिए, लेकिन मैं है कि हमारे दार्ला जाते बहुत किराया लगता है, वो सारी चीज़ें बच जाएंगी। तो अनु, थोड़ा सा बताना, ये अनु, अनीता रघुवंशी के, तो ये, और ये देखो, ये मशीन, इस मशीन के बारे में थोड़ा सा बताना अनीता, डिटेल में, इसकी क्या खासियत है? मैंने पहली बार देखी है। ये मल्टीपर्पज मशीन है, उषा जेनोमी एलोर डिलेक्स, और मैंने ऑनलाइन मंगवाई है दिल्ली से 3 साल पहले। अच्छा, मल्टीपर्पज ऐसे है कि इसमें सेलेक्टर है, मैंने 2 साल स्टडी की है फोन पे इसके बारे में, मतलब कैसे इसको चलाना है। इसमें धागा भी मतलब थोड़ा सीख के चलाना पड़ता है, ऐसे नॉर्मली नहीं डलता है। अच्छा, और सेलेक्टर है जो इसके, उसमें एम्ब्रॉयडरी भी होती है, मतलब थोड़ा डिजाइनिंग वगैरह भी है, क्या बात है। और अच्छा, पिको है, इंटरलॉकिंग है, सब कुछ साथ में ही है। जिपर फूट, मतलब मैंने थोड़ा अलग टूल बॉक्स मंगवाया है 1,000 रुपए का, बाकी कुछ चीजें और भी मंगवाई है साथ में, लगभग 5-7 हज़ार का अलग अच्छा, से। अलग से तो इंटरलॉकिंग भी इसी में है, पिको भी है, सारा मल्टीपर्पज है, मतलब मल्टीपर्पज है मशीन, ये मल्टीपर्पज बढ़िया है। है ना। तो होती थी ना दिक्कत कि कई बार दुपट्टे हैं ढाटू है, स्टॉल के ढाटू बना रहे, तो कि लेके आना है कहीं दूर लेके जाना है या फिर सिलाई देनी, तो मेरे पास पिको अवेलेबल है, इंटरलॉकिंग अवेलेबल है। इसमें इसमें ऐसा है कि मतलब जो एक ही एक्सीलेटर है, बाकी अच्छा मोटर इसमें अंदर ही फिक्स है, अच्छा और ये लाइट वेट है, मतलब 6 से 7 kg के बीच में इसका वेट है, ज्यादा है, हैवी नहीं ये है। बहुत अच्छी लगी मेरे को ये चीज। और हे भगवान, इसमें ज्यादा बिजली नहीं लगती है, बहुत हाँ कम बिजली लेती है इसकी बिल्कुल मोटर, बिल्कुल, मतलब एक होता है ना कि हम कमर्शियल मशीनों में हाँ हाँ इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा जाती है, बिजली बिल्कुल, खींचते अच्छा हैं, इसमें अच्छा ऐसा नहीं है, बिल्कुल लाइट वेट में देती है। तो ये बहुत अच्छी बात है। इसके फीचर्स इंटरलॉक का हैं, तो बहुत अच्छा है, इसके जो फीचर हैं। बहुत और अच्छे हमारे फीचर्स हैं। प्रधान जी भी आ रहे हैं, अब ये भी पे कपड़े सिलाया करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं नजदीक के लोगों को बताना चाहूंगी, देखिए दूर जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमारे को हर चीज आपको मिल रही है, सब कुछ बता दिया नेता ने। और कपड़े आप वहां पे देख सकते हैं, अभी इसको 2 से 3 दिन हुए यहाँ पे आए हुए, है ना, और मेरे पास 15 से 20 के 30 से ऊपर ऊपर सूट है, क्या और बात है। मैं हर प्रकार के सूट सिलती हूँ, तुलिप सलवार है, पैंट प्लाजो है, सिंपल प्लाजो है, पटियाला है, जो भी है, हाँ, ऑल टाइप्स, जैसे भी जैसे है, भी सिलवाना चाहे, जिस लेडीज तरीके का लेडीज रिक्वायरमेंट है उस तरीके से, फ्रॉक सूट भी देखा था मैंने एक सब कुछ, दिन, फ्रॉक सूट वगैरह सारा टोटल वो क्या बात करेंगे। है। मैं भी बहुत जल्दी ला रही हूँ सूट, आज मेरे पास कोई था नहीं, आज तो मैं थी, तो ये इसके कपड़े हमें करवाने थे। और सही, डिप्लोमा मेरे पास कहीं से भी नहीं है, किसी भी वेरीफाइड इंस्टीट्यूट से, मैंने खुद फोन से ही सीख सीख के, देख देख के, वहीं से सीखा है। क्या तो बात है, अभी भी जब कोई नया कुछ बनाना होता तो फोन पे सर्च करके वही देखती हूँ, वही बनाती देखती है, हूँ। दिमाग की बात है, देख के सीख लेना, वो दिमाग की बात है। बात होती है बाकी, जहां हम इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं वहां पे तो हम सिर्फ डिग्री लेने जाते हैं, सीखने थोड़ी जाते हैं। वो तो हमारे वो चाहिए होता है, कागज चाहिए होता है हाथ में, जी कि हम कहीं भी लग जाएं, हाँ जी, ठीक है। बाकी एक जो सेल्फ काम डिपेंडेंट बंदा, होने के जो काम बंदा दिल से लिए, करता है ना, उसके लिए किसी डिग्री डिप्लोमा की जरूरत नहीं होती। और अपनी एक पहचान बनाने के लिए जरूरत होती है कि जुनून की, एक जज्बे की, और अपने दिमाग की, कि हम कहां से कहां पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको, और बहुत सारी धन्यवाद। शुभकामनाएं, आपका काम बहुत अच्छे से चले। मैं आती रहूंगी बीच बीच में, आसपास के लोगों को फिर से बता देना चाहती हूँ। दो सूट ये देखो, यहाँ यहाँ पे सारे घर में काम करके आती है 9 बजे, और उसके बाद घर में जाके फिर से काम करना पड़ता है। ये नहीं है कि हम पूरे पूरा टाइम इस, लेकिन अब दिन को जो है यहाँ पे, ये पूरा टाइम इसने दे दिया है, ठीक है। बाकी
बाकी आप लोग आइए, आप लोगों को आके पता लग जाएगा कि, और एक बार सिला के देखिए, तब तक तो हम बोल नहीं सकते, है ना। चलो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक है ना। अच्छा एक चीज मैं और बता दूं आप लोगों को कि यहाँ पे ना, यहाँ पे लड़कियां सूट जैसे सिलाई सीखने आती आएंगी अभी, और कईयों की तो बात हो चुकी है। बाकियों को भी मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे बिल्कुल नजदीक घड़ाघू में है ना अनु, बाकी फीस की बात वो खुद कर लेंगे आपसे पर्सनल आके, ठीक है। जो भी उनकी फीस रहेगी, फीस तो लगेगी। देखिए आजकल सिलाई का काम बहुत ज्यादा है, और ये सबसे बड़ी बात है, अगर अपने कपड़े सिलने काबिल भी इंसान हो जाए ना, तो वो बहुत महंगी सिलाई हो गई है। तो यहाँ पे लड़कियां सीखने भी आ सकती हैं, आसपास के लोगों से मैं जरूर कहना चाहूंगी। तो ये देखिए, आपको दर्शन करवा देती हूँ भोले बाबा के और नागेश्वर नम। तो लाला जी की दुकान है यहाँ पे, ये लाला जी का घर है, ये दुकानें सब लाला जी की हैं, और ये मंदिर इन्होंने बनवाया है, यहाँ पे भागवत भी हुआ है। जय हो बाबा। कितने सुंदर नाग देवता। तो ये देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं अब घर में, और रेखा जा रही है गेट खोलने। ये देखो यहाँ पे ये गेट खुलेगी और फिर मैं गाड़ी अंदर लेके जाऊंगी। ये देखो चलो मेरी वेलकम है आपको। जय माता जी। आगे तू अलाव ना होते भी आगे नहीं पड़ दे। चलो भाई लोग पहुंच गए हम लोग। कैसी भी थ्रेडिंग बताना आप लोग, बड़ी हो गई है ना, अपर लिप्स बहुत है, वो भी करवाए। थोड़ा ऐसे सबको गुली गांव में चाय दूध बनाया करो। ए लो जी, अगर इतनी है कुछ नहीं। आप लोग बोलते हैं ना कि मैं वॉइस ओवर करते हूँ बहुत, मतलब और परे बोलती हूँ। मेरे घर वालों को ना तभी होता है टाइम, जब मैं वॉइस ओवर करने बैठती हूँ या बात करने, तभी आएंगे मेरे मुंह के पास सारे उलखते हुए। और देख इसकी भी शेप बढ़िया बनाई है ना, है ना, अच्छी आई है ना, और मेरी भी अच्छी बनाई है, देखो बढ़िया सुंदर लग रही है। तेरे मेरे बिच रखाने आवे ना कोई तीजा, ना तेरिया सहेलियां, ना तेरा भैन, ना तेरा जीजा। ये देखो हमारे सूट, देखो आप लोग कल वाह जी बनाए कुड़े। बेबे बेबी बोलते पहले बहनी जो बेबी, मतलब बहन को ना पहले के टाइम में बेबी बोलते थे, बेबी। आजकल बेबी पता किसको बोलते हैं? जानू को, मतलब पति को बेबू, स्वीटू। बेबी नहीं, मेरे को गाइस आप लोग बताओ, मेरे को दांत लगवाना चाहिए, तू बता कुड़े। अब ना मेरे को कुछ अब मेरे नहीं, ये स्पेस बढ़ नहीं रही है, ये स्पेस रात दिन बढ़ ही रहा है ना, और लोग मेरे को क्या सोच रहे हैं कि मैं ना, सच बता रहे, लोग ये सोचते हैं कि ये तो बुढ़ी होगी, इसके दांत अब टूटने लग गए। वो भाई अब नहीं टूटने लगे, बहुत पहले का टूटा हुआ है। शुक्र करो मेरे ससुराल वालों का, जिन्होंने मेरे को टूटे वो दांत के साथ एक्सेप्ट किया। मैं तो ना कहीं जन्मों जन्मों तक ऋण ही रहूंगी। है सही गली, मेरे पति ने मेरे को इसी रूप में स्वीकार किया। नहीं हाँ जी, तो चलिए ये देखो मैंने यहाँ पे काटा था, ये वाला मेरे को यहाँ से उठाना है, चाहे मेरे को खुद उठाना पड़े, भारी है मेरे से उठाया जाएगा। और मैं इनको एक दिन के जैसा बोल रही हूँ कि इसको उठा दो यहाँ से, मेरे को बहुत बुरा लग रहा है, ये बहुत ज्यादा बुरा। ये नहीं है यहाँ पे कुछ नहीं, तो खाली जगह होती तो यहाँ कुछ लगा सकते हैं हम लोग, पर मैं क्या लगाऊँ यहाँ पे, कूड़ा कबाड़ी बहुत रखा हुआ है इन्होंने। हालांकि कूड़ा फेंकने की, फूकने की भी और फेंकने की जगह उधर है, पर इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है, मैं इतने दिनों से बोल रही हूँ। और चलिए ये देखो, ये मैंने कुछ ये काटा शाम को, परसों ये काट दिया था, अब यहाँ पे कितना बढ़िया हो गया। ये देखो कुछ यहाँ पे काटा आपको, चलो वो बाद में दिखाऊंगी, मैं वही दिखाऊंगी जो मैंने काट रखा है घास, ठीक है। और ये देखो, इस बार एक बहुत बड़ी गलती होगी मेरे से, मैंने खीरे के बीज कहीं भी नहीं लगाए। अब सोच भी रही हूँ कि लगा दूँ, पर मुझे नहीं लगता अब टाइम हो चुका है कि लगाऊँ कि ना लगाऊँ, समझ नहीं आ रहा है। और यहाँ पे काटूंगी मैं, देखो ये यहाँ तक मैंने काट दिया था ना, यहाँ तक सारा काट दिया था मैंने, और कल मैंने उधर काटा था भिंडी के बीच में, दिखाती हूँ आपको। पर मैं सोच रही हूँ सारा साफ करके ना फिर दिखाऊँ आपको, बहुत है यहाँ पे। ये देखो ये वाला काटा था मैंने, जो मैंने आपको सुबह वीडियो दिखाई थी ना, इसमें ये वाला किया था साफ,
तो ये जो भिंडी रह गई है ना, मैंने कल भिंडी तोड़ दी थी, जो रह गई है वो खराब हो चुकी है, ये सोच लो आप, वो खराब हो चुकी है। और एक चीज तो मैं बताना ही भूल गई थी आप लोगों को। राम राम, जय माता दी, कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। अभी सुबह का टाइम है, 7:15 हो गए। देखो मैंने कल थ्रेडिंग करवाई थी, कैसी लग रही है बताना जरूर। ब्लॉग भी आएगा उसका, बहुत अच्छी वो आई है ना, शेप बहुत अच्छी लाती है दीपा हमारी। अभी हम लोग जा रहे हैं घास को, और आज हमारे घर में आने वाले मेहमान मेहमानी है वो हमारे। आप लोग गैस करके बताना, कमेंट करके बताना कि हमारे घर में कौन आएगा आज। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी सुबह सुबह घास लेके आती हूँ, और फिर उसके बाद जो आएंगे तो होता ही है ना, फिर घर में कोई आए तो फिर नहीं जाया जाता घास को। और हमने अभी पशुओं को बाहर बांध दिया, आज मेरे को गायों को भी नहलाना है। मैं सोच रही हूँ कि गायों को भी नहला दूँ, आके पानी भी आ जाएगा उतने को ना, तो पहले फटाफट से घास आ जाता है ना, फिर पूरा दिन को ना बंदा फ्री रहता है। फिर ये मेरी, आप पूछ रहे थे कमर दर्द कैसा है, तो कमर दर्द कैसा है कि ली थी मैंने दवाई वगैरह, तो आज सुबह ही मैंने जैसे बाथरूम साफ किया, ऐसे बीच बीच में होता है ना डीप वाली क्लीनिंग, ये नहीं करते डीप वाली, तो वैसे की मैंने, तो आज फिर से मेरी कमर में बहुत दर्द होगी। मैं सोच रही ऊपर तक थोड़ा एक्सरसाइज भी हो जाएगी जाते, पर्स तो तामंगे सुन दो। तो ये आ गया नहीं पापा, फिर हम दोनों जा रहे हैं। चलो दरख्त पहन दो।